अभी सिसोदिया की जमानत के वक्त सबने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। माननीय रामगोपाल जी, रामगोपाल, अब मुझे एक मिनट बोल। नहीं, एक सेकंड। न्यायपालिका के आपने पहले मौलिक बात कही, दमदार बात है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऐसा है कि सामने लोग टीवी पर देख रहे हैं कि पुलिस वोट नहीं डाल दे रही है, पुलिस लोगों को मार रही है, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं। पर एक विशेष मामले को लेकर, अगर करे तब तो ठीक है। नहीं, एक विशेष मामले को लेकर किसी व्यक्ति का नाम लेकर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा। आपने देखा होगा, हम हर जगह देखा है सबने। मैं मिला जाके कमीशन से, कमीशन ने आंखें बंद किए रहे। इलेक्शन कमीशन की यही ड्यूटी नहीं होती सर? अभी वोट बढ़ रहा है, वोट कट रहा है, बूथ चेंज हो रहे हैं, आधा मोहल्ला यहाँ लगा है, आधा 3 किलोमीटर दूर लगा है। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको पहचान लिया जाता है जाति और धर्म से, मुसलमान वोट पहचान लिया जाता है, जिसको चाहे उसको काट दो, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो अगर इलेक्शन कमीशन में निष्पक्ष लोग नहीं होंगे, अगर वो बात नहीं सुनेंगे किसी की, तो डेमोक्रेसी क्या मतलब रह जाता है? थैंक यू प्रोफेसर। नियत पे भी लोगों को संदेह है, लेकिन ऐसे लोगों को नॉमिनेट करना इलेक्शन कमीशन में जिनके अपनी अंतरात्मा नाम की कोई चीज हो। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ठाकुर साहब बैठ जाए तब मैं बोलूं। सर 5 मिनट्स, बट सिंस टाइम हैज बीन लिमिटेड टू 5:30, 4 मिनट्स। धन्यवाद श्रीमान। सर जियाजी नोज द डिफिकल्टी ऑफ दिस चेयर। मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहूँ। एक तो ये कि संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से संसद की सर्वोच्चता की बात की थी और कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सबको उनकी अपनी सीमाओं में रहने के लिए कहा था। न्यायपालिका उस स्थिति में जब कोई चैलेंज करे संसद से बनाए हुए कानून को, तो जुडिशियल रिव्यू के अधिकार का प्रयोग करके उस पर अपना फैसला दे सकती है। लेकिन न्यायपालिका थर्ड चैम्बर का रूप नहीं ले सकती, जैसे कभी अमेरिका की संसद को कहा गया था। राष्ट्रपति ने कुछ बनाया, उन्होंने रद्द कर दिया, संसद ने कानून बनाया, तो झमेला वहाँ हुआ था। लेकिन ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन अपनी बात पर आने से पहले मैं एक बात अवश्य कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा न्यायपालिका पर रिलाई न करें। अभी सिसोदिया के जमानत के वक्त सबने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। माननीय रामगोपाल जी, रामगोपाल, अब मुझे एक मिनट बोल। नहीं, एक सेकंड। न्यायपालिका के खिलाफ नहीं कह सकता हूँ। आपने पहले मौलिक बात कही, दमदार बात है, हम सब न्यायपालिका की भी इज्जत करते हैं, कार्यपालिका की भी करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सशक्त रूप से अपने क्षेत्र में काम करेंगे। पर एक विशेष मामले को लेकर, अगर करे तब तो ठीक है। नहीं, एक विशेष मामले को लेकर किसी व्यक्ति का नाम लेकर मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बिल संसद ने सर्वसम्मत से पारित नहीं किया था, वो मौलिक मुद्दा है, उस पर बोलिए। न्यायपालिका ने जनता की इच्छा का, संसद का की परवाह की, जब उनके ऊपर आया तो परवाह नहीं की, औरों के ऊपर चाहे जा हस्तक्षेप करने लगे। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि यह सब व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है।
टीएन सेशन के जमाने, टीएन सेशन का ऐसा व्यक्तित्व था कि उन्होंने लोगों को बताया कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऐसा है कि सामने लोग टीवी पर देख रहे हैं कि पुलिस वोट नहीं डाल दे रही है, पुलिस लोगों को मार रही है, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं लेकिन आंखें बंद किए हुए बैठे हुए। तो अगर इस तरह के आपने देखा होगा, हम हर जगह देखा है सबने। मैं मिला जाके कमीशन से, कमीशन आंखें बंद किए रहे। इलेक्शन कमीशन की यही ड्यूटी नहीं होती सर, अभी वोट बढ़ रहा है, वोट कट रहा है, बूथ चेंज हो रहे हैं, आधा मोहल्ला यहाँ लगा है, आधा 3 किलोमीटर दूर लगा है, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको पहचान लिया जाता है, जाते और धर्म से लाइन खींचते चले जाओ, 50,000 वोट काट दिया, सुनने वाला नहीं कोई मुरादाबाद में, क्योंकि नाम से मुसलमान वोट पहचान लिया जाता है, जिसको चाहे उसको काट दो, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो अगर इलेक्शन कमीशन में निष्पक्ष लोग नहीं होंगे, अगर वो बात नहीं सुनेंगे किसी की, तो डेमोक्रेसी क्या मतलब रह जाता है? डेमोक्रेसी का अर्थ ही यह है कि लोग अपनी इच्छा से, ईमानदारी से, फ्री और फेयर इलेक्शन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें, अपने ऊपर शासन करने के लिए सरकार को चुन सकें। थैंक यू। लेकिन हो कहाँ रहा है ये? थैंक यू। इसलिए मैं शासन से कहना चाहता हूँ, शासन में बैठे हुए लोगों से, कि कानून तो आप जैसा ला रहे हैं बनेगा ही वैसा। थैंक यू प्रोफेसर। आपकी नीयत पे भी लोगों को संदेह है, लेकिन ऐसे लोगों को नॉमिनेट करना इलेक्शन कमीशन में जिनके अपनी अंतरात्मा नाम की कोई चीज हो, जो अन्याय न होने दें, डॉक्टर सिर्फ आपके सारे के लक्ष्मण,